जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। मैं विकास, यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिस्ट्री फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं फिलर फॉर्म पर। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे यूजीसी नेट से रिगार्डिंग। और हमारे जो टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करो, इस पर भी आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बेहद अच्छी जानकारी मिलती रहती है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिलर फॉर्म लेके आए यूजीसी नेट जून 2023 के लिए एक न्यू बैच। इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बोथ की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप पेपर फर्स्ट ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के लिए रहेगा 1499 के अंदर, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्वाइन करते हो 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी 2499 रुपीज़ के अंदर। और अगर आप पेपर सेकंड ज्वाइन करते हो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ 2499 रुपीज़ के अंदर। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप ज्वाइन करते हो 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी 4499 रुपीज़ के अंदर। डोंट मिस दिस चांस, इस चांस को मिस मत करना। आगे चले, हमारी जो क्लासेस होगी उसकी जो नोट्स होंगे वो आपको ऐप पर मिलेंगे विद PYQ विद आंसर्स। 100 मॉक्स मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और फिलर फॉर्म ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप अगर फिलर फॉर्म के कोई भी कोर्स को परचेज करते हैं और उसके अंदर कोड को यूज एक कोड यूज करते हैं VI10, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको हर कोर्स के ऊपर फिलर फॉर्म के जो भी कोर्स आप परचेज करोगे उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब हम देखो, हम देख रहे थे ऋग्वेदिक समय, ऋग्वेद काल को हम पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर हम 900 वर्षों का इतिहास देखते हैं। क्या देखते हैं हम, 900 वर्षों का इतिहास देखते हैं। कल की हमारी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, थोड़ा उनको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। एक बार क्लास ऑफ हो गई थी कुछ कारणों की वजह से, कमेंट करना एक बार कौन कौन आ गए। ऋग्वेद के अंदर समुद्र का वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है, समुद्र का वर्णन मिलता है। इसके अंदर 4 समुद्र है, अपर, पूर्व, सरस्वत और शरणवर्त। गुड इवनिंग प्रियंका बहन, गुड इवनिंग। इन 4 समुद्रों का इसके अंदर वर्णन मिलता है।
ठीक है। ऋग्वेद के अंदर मरुस्थल का वर्णन मिलता है। मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? धन्व शब्द का प्रयोग किया गया मरुस्थल के लिए। अब देखो ऋग्वेदिक कालीन समाज समाज कैसा था? एक बार सभी कमेंट कर रहा कि क्लास में सभी आ गए क्या? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। राजनीतिक स्थिति देखो, ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति कैसे। कृष्णा तिवारी, गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सतीश, गुड इवनिंग। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? समाज की सबसे छोट समाज की बुनियादी इकाई। कौन सी थी? जन। जन किस पर आधारित था? कबीलाई पद्धति पर आधारित था। राजनीतिक समाज की बुनियादी इकाई जन था, और जन कबीले कबीलाई पद्धति पर जन आधारित था। उसके बाद परिवार, एक परिवार बनता था, परिवार बनकर कुल का निर्माण करता था, कुल से ग्राम का, और ग्राम से विश्व का, विश्व से जन का, और जन से राष्ट्र का। इस प्रकार इनका निर्माण होता था। कुल का जो प्रमुख था इसको कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता है। गुड इवनिंग राखी बहन, गुड इवनिंग। ग्राम के जो मुखिया थे उनको ग्रामपति कहा जाता था। विश्व को विश्वपति, जन को गोप या जनपति, जनपति या गोप। राष्ट्र का प्रमुख, राजा या राजन, राजा या राजा। ये राजनीतिक स्थिति फिर वैदिक काल के अंदर। परिवार से कुल बना, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्रपति। ऐसे चलती थी ये सीक्वेंस। और जो कुल का
प्रमुख होता था कुलपति, और परिवार के मुखिया कौन होते थे सबसे वृद्ध पुरुष, सबसे वृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता था। कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, विश्व को विश्वपति, और जन को जनपति या राजन का, जो राष्ट्र था उसको राजन कहा जाता था। इनसे क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में जो फरवरी के अंदर एग्जाम गया है उसमें एक क्वेश्चन आया था कुलप से लेकर। तो किसके रिगार्डिंग आया था? कुलप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के अंदर राजा को बनाने के लिए कुछ संस्थाएं बताई गई हैं कि राजा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो राजा को बनाने वाले को क्या कहा जाता है? राजा को बनाने वाले को राजकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकृत कहा जाता है। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? राजा के निर्वाचन से संबंधित। सूक्त प्राप्त होते हैं। राजा का सर्वप्रथम वर्णन एतेर ब्राह्मण के अंदर होता है। एतेरे ब्राह्मण के अंदर होता है। एतेरे एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अंदर सबसे पहले राजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखो, जो देवता थे और असुर थे उनके बीच संघर्ष होता रहता था। क्या था? देवता और असुर, इनके बीच क्या होता रहता है? संघर्ष होता रहता है, युद्ध होते रहते हैं। ये हार जाते हैं, ये जीत। हार का कारण क्या था? राजा का ना होना। राजा का ना होना इनकी हार का कारण था। तो इन्होंने क्या किया? राजा की कमी को पूरा किया और फिर युद्ध किया। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? राजा की कमी पूरी की। तो युद्ध में क्या हुआ? जीत गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मैं कल की रिवीजन करवा रहा हूँ, कल की जो क्लास हुई थी वो, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, तो मैं उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ वहीं से, जहां से टेक्निकल इश्यू चल रहा है ना वहीं से मैं उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? कमेंट करना। ठीक है, देखो, अब राजा आ गए, तो राजा का पद अभी तक भी स्थायी नहीं है। राजा का पद क्या है? अभी तक भी स्थायी नहीं है। ये युद्धकालीन स्थितियों में कबीले का नेतृत्व करता है। कि युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व कौन करेगा? युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व कौन करेगा? राजा करेगा। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया? गोप्ता, जनस्थ। गोप्ता जनस्थ। और क्या गया? कबीले का संरक्षक कहा गया है। ये उपाधियां हैं इनके लिए, राजा के लिए, गोप्ता जनस्थ, जनस्थ कबीले का संरक्षक।
पूरा भीता। पूरा भीता। आदि उपाधियां दी गई हैं राजा को। ऋग्वेद में जन शब्द का वर्णन अनेक बार कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? जन शब्द वर्णन कितना है? 275 बार इसका वर्णन है, परंतु जनपद शब्द का वर्णन नहीं है। जनपद शब्द का वर्णन नहीं है। दसवें मंडल के 33वें सूक्त के अंदर एक मंत्र संख्या 1 में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में मंत्र संख्या कौन सी है? 173वां सूक्त। सूक्त कौन सा है? 173वां। मंत्र कौन सा है? एक। मंत्र संख्या कौन सी है? एक। तो उसके अंदर क्या कहा गया कि हे राजन आपको राष्ट्रपति बनाया गया है। आप इस राष्ट्र के स्वामी हो। आप ध्रुव अचल और स्थिर रहे, प्रजा आपको चाहे तथा आपका राष्ट्र नष्ट न हो, नष्ट न हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 173वां सूक्त है और सूक्त के अंदर मंत्र कौन सा है? मंत्र संख्या कौन सी है? एक। तो उसके अंदर क्या लिखा मिलता है कि हे राजन आपको राष्ट्रपति बनाया गया है, आप इस राष्ट्र के स्वामी हो, आप ध्रुव अचल और स्थिर रहें, प्रजा आपको चाहे तथा आपका राष्ट्र नष्ट ना हो। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, कई गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे? विश। विश कहलाता था। और ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? 170 बार वर्णन है। कई गांव मिलकर किसका निर्माण करते थे? विश का निर्माण करते थे। और विश कितनी बार वर्णन है? 170 बार वर्णन है। परिवारों का समूह मिलकर किसका निर्माण करते थे? परिवारों का समूह मिलकर गांव का निर्माण। और प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामणी। इसका कार्य क्या था? रक्षा करना, संगठन बनाना, न्याय करना, दंड व्यवस्था करना, दंड की व्यवस्था करना। इसका कार्य था, ग्रामणी का कार्य होता था। और परिवार मिलकर, परिवारों का समूह मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्रामणी इसका प्रमुख था, प्रधान था।
सर्स वार्थ उर्गन, ये सैनिक सेना की इकाइयां थी। राजा के पास अपनी सेना होती है, कबीले का नेतृत्व करेगा, किसका नेतृत्व करेगा, कबीले का नेतृत्व। सेना की इकाइयां सर्स वार्थ गण, कहीं पर सर्ग भी मिलता है, ठीक है, सर्ग ऐसे भी लिखा मिल सकता है कहीं पर, जैसे सर्स होता है ये। इतना समझ में आ गया? कमेंट करो एक बार। आगे देखो, अब हमारे पास सेना आ गई, राजा आ गया, तो अब क्या बचा है हमारा? अब बचा हमारा युद्ध होना। तो अब क्या होगा? ऋग्वेद काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा, जिसे कहा जाएगा दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध। ये युद्ध किसके बीच हुआ और किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी। रावी नदी को क्या कहा जाता है? पुरुषणी नदी। वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। किसमें? सातवें मंडल में इस बात का वर्णन मिलता है। किसके बीच लड़ा गया था? राजा सुदास, ये भरतवंशी कबीले का राजा था, ठीक है, और 10 अन्य राजाओं के बीच। किसके? वशिष्ठ। 10 अन्य राजाओं के बीच। जो राजा सुदास के पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र, परंतु इन्होंने इसको हटाकर वशिष्ठ को बना दिया। किसको बना दिया? वशिष्ठ को बना दिया। वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया, ठीक है। तो वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया, तो ये इससे नाराज होकर 10 राजाओं के जो एक संघ होगा उसका नेतृत्व कौन करेंगे? उसके नेतृत्व करेंगे विश्वामित्र जी, ठीक है। तो जो ये 10 राजाओं का युद्ध था, इसमें 5 आर्य 5 अनार्य थे, 5 आर्य और 5 अनार्य। जो ये किस वंश का था? ये भरत वंश का था, भरत वंश का था। इस युद्ध में 3 अनार्य जातियों ने भी भाग लिया था। तीन अनार्य जातियां कौन सी थी? अज, यक्षु।
इन्होंने किसकी तरफ से भाग लिया था? 10 राजाओं की तरफ से भाग लिया। इतना समझ में आ गया? दसरा युद्ध इतना समझ में आ गया ना, फिर आगे करेंगे इसे। कमेंट करना, इतना समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हो, क्योंकि तो जल्दी से इसको कंप्लीट करके, तो आज की क्लास भी तो हमारी कंप्लीट करनी है ना। तो भरतों के, जो भरतों का नेतृत्व किया था, भरतों का नेतृत्व किसने किया था? राजा मेद ने। और एक राजा थे कुरु वंश के, चुकुत्सुक। क्या नाम था? चुकुत्सुक। ये किस वंश के थे? पुरु वंश के थे। किस वंश के थे? पुरु वंशी राजा थे। पुरु वंशी राजा थे। ये युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। जो 10 राजा थे इनके अंदर, प्रमुख स्थान था। ऋग्वेद में राजा की सहायता करने वाले कुछ अधिकारी भी थे। जैसे कौन कौन थे? वो पुरोहित और सेनानी और ग्रामणी। इसके अलावा सूतकार, कर्मकार, रथकार, ऐसे ही 12 रत्नीनों का वर्णन मिलता है। यानी राजा की सहायता करने वाले अधिकारियों को क्या कहते हैं? रत्निन कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्निन कहते हैं। तो कितने रत्निन थे? 12 इनके सहित। जो पुरुप थे, पुरुप एक अधिकारी था। ये किस चीज का अधिकारी था? दुर्गपति था या फिर सैनिक था? ऐसे स्पष्ट। गुप्तचर विभाग का, गुप्तचर विभाग यानी जासूस वाला सिस्टम था ना, जो इसी के पास था। दूत, संधि वगैरह के जो पत्र होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने का कार्य यही करता, यानी समझौता कराने का काम किसका था? दूत का। यानी जो समझौते के लिए संधि पत्र थे वो लेके जाने का काम किसका था? दूत का था। फिर उसके बाद आ जाता है मध्यमंशी, पंच निर्णय द्वारा न्याय करने वाला मध्यमंशी। पंच निर्णय द्वारा न्याय करने वाला, ठीक है। और उसके बाद उग्र, जीव, ग्रव, उग्र, जीव, ग्रीव, ये पुलिस अधिकारी माने गए हैं। पुलिस अधिकारी माने गए। राजा की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए कुछ सभाएं बनाई गई थी। निरंकुशता रोक लगाने के लिए क्या थी? सभा थी। सभा कौन कौन सी थी?
सभा, समिति और विद्वत। विद्वत सबसे प्राचीन है, विद्वत के अंदर सबसे प्राचीन सभा है। जो सभा है इसकी उत्पत्ति वैदिक काल के अंदर हुई। किसके अंदर हुई? ऋग्वैदिक काल के अंदर हुई। इसके अंदर सदस्य कौन थे? उत्तम कुल में जन्मे व्यक्ति, उत्तम कुल में जन्मे व्यक्ति, और व्यक्ति भी कैसे, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति। इसमें जो पुरुष सदस्य होता था उसको सभे, और महिला सभापति, सभावती, सभावती महिला को कहा जाता। स्थानीय स्तर पर न्याय करने का कार्य था, क्या था? स्थानीय स्तर पर न्याय करने कार्य था। समझ में आ गया? सब समझ में आ गई? अब देखो समिति। समिति कैसे? समिति के अंदर क्या था? आम जन प्रतिनिधि थे, आम जन प्रतिनिधि थे। इसके अंदर भाग कौन लेता था? इसका प्रमुख, सभा के परिवार का, परिवार के मुखिया को भाग लेते थे। कौन थे? परिवार के मुखिया भाग लेते। प्रधान को क्या कहा जाता था? इसके प्रधान को ईशान कहा जाता। अब अगर भी कोई भी व्यक्ति देखो, ऐसा कोई फ्रेंड देखो जिसका नाम ईशान है, तो मान लेना ये समिति का प्रधान है। ठीक है, कि ईशान कौन है? समिति का प्रधान है। इतिहास को याद करने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास की चीजों के साथ जोड़ना। तो ईशान मेरा मित्र है, मान लेता हूं मैं ईशान मेरा कोई मित्र है, और वो क्या है? एक समिति का अध्यक्ष है, प्रधान है, और वो क्या करेगा? राजा को हटाने का कार्य करेगा। राजा को हटाने का या बनाने का कार्य करेगा। तो ईशान राजा को हटाने का, बनाने का कार्य करेगा, लेकिन ईशान किसका प्रधान है? समिति का प्रधान है। तो समिति किसका काम करती है? राजा को हटाने का और बनाने का कार्य कौन करती है? नियुक्त करने का कार्य कौन करती है? समिति करती है, विद्वत। विद्वत को सबसे प्राचीन है, पुरानी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। सैनिक अब धार्मिक महत्व के कार्य करती थी, सैनिक प्लस धार्मिक। महत्व के कार्य समझ में आ गया? विद्वत क्या करती है? सबसे प्राचीन है, महिलाएं भाग भाग ले सकती हैं, सैनिक प्लस धार्मिक महत्व के कार्य करती है। कमेंट करो, समझ में आ गया तो आगे चलेंगे फिर।
और क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर दो साथ ही साथ, ठीक है? क्लास कैसी लग रही है साथ ही साथ बताते रहो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब समाज की बात करते हैं कि हमने राजनीतिक स्थिति देख ली, युद्ध देख लिया, वहां की सभा समिति देख ली, विद्युत देख लिए, रत्नेन देख लिए, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि समाज समाज कैसा था। समाज मुख्यतः तीन भागों में बटा था अभी तक। कैसा था समाज के अंदर क्या थे? तीन वर्ग थे, योद्धा यानी सैनिक, पुरोहित सामान्य जन यानी प्रजा। अभी तक चौथे वर्ण इसका उदय हुआ था, परंतु इस काल में स्पष्ट रूप से समाज में चार वर्णों का उदय होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का और वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसका शूद्र शब्द का और वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर। वो हम पुरुषोक्त के अंदर जो पुरुष विराट पुरुष है उनका वर्णन करेंगे, ठीक है? उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, यही क्वेश्चन आता है कि किस मंडल के अंदर है ऋग्वेद के शूद्र के अंदर। उसमें से अगर आप विराट पुरुष को देखो तो इसके एक तिहाई भाग के अंदर पूरी पृथ्वी समाई हुई है, और एक चतुर्थी भाग जो उसका बचा हुआ भाग है वो स्वर्ग के अंदर है, वो अमर है। और उनके एक तिहाई भाग से ही आदिशक्ति यानी एक महिला का जन्म होता है, आदिशक्ति का जन्म होता है, और उसी से आगे सृष्टि चलती है, ठीक है? ऐसी चीजों का वर्णन मिलता है कि इनके जो मध्य भाग जो इनके उदर है उसी से मध्य भाग है पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, और जो इनके माथे पर है वो चंद्रमा है, इनकी आंखों से सूर्य बना है। ऐसी ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती है। इनके हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है विराट पुरुष के अंदर। ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में शूद्र का वर्णन मिलता है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार के मुखिया को क्या, परिवार कैसा था? समाज क्या था? पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक यानी कि पिता को सॉरी पुत्र को पिता के गोत्र से जाना जाता था, पिता के गोत्र से जाना जाता था, ठीक है? और मुखिया कौन था परिवार का? मुखिया परिवार में वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था, इसको गृहपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृहपति कुलग। ऋग्वेद के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी आपने शायद सुनी नहीं होगी। अगर सुनी हो तो यस का कमेंट करना, अगर ना सुनी हो ना तो रहने देना, ठीक है? अगर नहीं सुनी हो तो रहने देना, कमेंट मत करना। अगर सुनी सॉरी अगर सुन रखी है तो कमेंट मत करना, अगर नहीं सुनी है तो कमेंट करना यस का, ठीक है? ऋग्वेद के अंदर एक वरुण सूक्त है, वरुण सूक्त है, उसके अंदर एक पुत्र है सूपसेन। कौन है? सून से, सून से, सून से, सून शेप एक पुत्र है। इनके पिता ने क्या किया था? 100 गायों के बदले, 100 गायों के बदले था इसे, ठीक है? सूनशेप वरुण सूक्त के अंदर ऋग्वेद में वर्णन मिलता है इसका कि इसके पिता ने इसे 100 गायों के बदले बेच दिया था। क्योंकि क्यों? क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता था उसका परिवार के सदस्यों के ऊपर और परिवार की संपत्ति के ऊपर
पूर्ण अधिकार होता था। एक रिजासव, रिज्ञासव, रिज्ञासव, हाँ रिज्ञासव, रिज्ञासव का वर्णन मिलता है मंडल एक में। इसके पिता ने इसे अंधा करवा दिया था। एक मिनट, मैं इनको क्लियरली लिख दूंगा, तुम नोट कर लेना। एक तो मिलते हैं शून शेप, किसके अंदर वर्णन है? वरुण सूक्त के अंदर वर्णन है। इसके पिता ने क्या किया था? बेच दिया। किसके बदले? 100 गायों के बदले। ठीक है, और एक है ऋग्जासव। इनके पिता, इनका वर्णन मिलता है मंडल एक में, प्रथम एक में, एक प्रथम मंडल के अंदर इसका वर्णन मिलता है। इनके पिता ने इसे अंधा करवा दिया। इतना समझ में आ गया? कमेंट करो एक बार। आगे चलते हैं, कमेंट करना। बोर तो नहीं होगे ना क्लास के अंदर? बताना। हाँ महादेव, कहाँ पर हो? क्लास में हो या आज छुट्टी वगैरह हो? आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी, हमारे जो महादेव भाई हैं वो भोजी भाई हैं। क्योंकि देखो इतिहास के अंदर ना फैक्ट जुड़े हुए हैं। परमाणु को मैं एक दिन के अंदर वैदिक सभ्यता करवा दूंगी, 1 घंटे 2 घंटे ना लगे मुझे वैदिक सभ्यता करवाने में, एक दिन के अंदर करवा दूंगी। उस चीज का करवाने का फायदा क्या है अगर वो आपके पेपर में ना आए, वहां से आपका पेपर ना हो? ठीक है, देखो आप सभी यहां पर, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हूं, भगवान तो मैं हूं नहीं कि वो भी हूँ जो एनटीए पेपर बनाएगा मैं आपको वो करवा दूं, और जो मैं करवा रहा हूँ एनटीए के अंदर जरूर रहेगा, ऐसा भी नहीं है। परंतु हम प्रयास कर सकते हैं कि हर वो चीज करें जहां जो हमारे पेपर के अंदर आ सके। क्या करें? कि हम प्रयास कर सकते हैं कि हर वो चीज करें जो हमारे पेपर के अंदर आ सके और जहां से हमारा पेपर बने। कोशिश करता हूँ बिल्कुल बेस्ट करवाने की, कंटेंट लेके आता हूँ, पूरा पूरा दिन लगा रहता हूँ तुम्हारी क्लास के लिए, सोने का समय नहीं मिलता। परंतु क्या करें, आपसे कुछ दिनों में इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा। तो थोड़ा कमेंट करो, क्लासेस कैसी लग रही हैं, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? एक बात ध्यान में रखो, किसी बुक के चक्कर में मत चलना भी, कहीं कोई बुक खरीद लो। ठीक है, देखो हर बुक बड़ी अच्छी है, बुक
क्या है, बड़ी अच्छी है। बुक क्या है, बड़ी अच्छी है, हर बुक बड़ी अच्छी है। हर बुक किताब बड़ी अच्छी होती है जो किसी ना किसी के द्वारा लिखी जाए। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है हर किताब के अंदर, ठीक है। करिश्मा बहन, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका जल्द ही नेट जीआरएफ, और नेट जीआरएफ करके आप सबसे पहले मुझे मिलने के लिए आए। देखो मिलने के लिए ना हो ना, मैसेज जरूर कर देना कि भाई ये हो गया हमारा, ठीक है, मैसेज जरूर कर, ताकि हमें अच्छा लगता है कि हमने किसी की हेल्प की और उस हेल्प की वजह से किसी का भला हो गया। देखो हम हेल्प ही कर रहे हैं एक दूसरे के। देखो अगर हम आप हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, जरूर बहन जरूर आना, ठीक है, आने के बाद और बस बता देना कि भैया हम यहाँ पर खड़े हैं, हम वहीं से ले जाएंगे आपको आने के बाद, ठीक है। देखो हम क्या देखते हैं कि आप हायर एजुकेशन क्षण स्पर्श हेतु, अरे बहन पाप लगाओगे क्या अपने भाई को? बहने चरण स्पर्श नहीं करती, वो माथे का ताज होता है, ठीक है। क्या होता है बहन? माथे का ताज होता है। हरियाणा के अंदर बहन कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी, हरियाणा की संस्कृति है ये कि बहन कभी भी अपने भाई के चरण स्पर्श नहीं करेगी, अपने पिता के चरण स्पर्श नहीं करेगी बहन, क्योंकि वो माथे का ताज होता है अपने परिवार का। और आप मेरे परिवार के ही तो, ठीक है। बुक मत खरीदना क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप बुक से पढ़ लो। समय आज के दिन को लगाकर हमारे पास 43 दिन बचे हैं मोस्टली मोस्टली, ठीक है, समय बहुत कम बचा हमारे पास। तो इसके अंदर आप बुक कवर नहीं कर पाओगे तीनों सेमेस्टर, तीनों चीजों के लिए। जितना मैं करवा रहा हूँ नोट्स जो मैं करवा रहा हूँ बस उनको फॉलो करो, बार बार जितना रिवीजन कर सको ना उसको रिवीजन करो। कोई बुक उठाओगे वो समझ में नहीं आएगी और उसको फेंक दोगे मन उतर जाएगा, क्योंकि जो बुक लिखी होती है ना जो भी ऑथर लिखता है हाई स्टैंडर्ड बुक होती है। आपने देख भी लिया होगा कोई ना कोई बुक पढ़कर, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको कहां से समझ रहा है, कहां से पढ़े, कहां से क्या करे, कहां से पॉइंट स्टार्ट करे, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए जितने नोट्स बनवा रहा हूं ना बस ये नोट्स कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे आपका लक, क्योंकि कुछ चीजें लक पर भी डिपेंड करती है, ज्यादा नहीं, आपकी 70% मेहनत और 30% लक आपका चाहिए चाहिए। तो अब हम क्लास आगे शुरू करें, है कृष्ण बहन, स्टार्ट करें। उनतीस इकतीस का, देखो 31 का तो नहीं डाला मुझे इतना पता है, लेकिन 29 का डाल दिया था। 31 का क्यों नहीं डाला? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो जो पीडीएफ थी वो लैपटॉप से रिमूव हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी वजह से वो 31 वाला नहीं डाला है। बट 31 का मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से अपडेट लाकर बैकअप लेकर आपको वो डाल दूँ, 31 मार्च का नहीं डला ये कंफर्म है। चलो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया बातें करते हैं।
ऋग्वेद के प्रथम सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त, अब देखो पुरुष सूक्त इसमें शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किसके अंदर हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ, ऋग्वेद का 10वां मंडल। इसके अंदर सूक्त है, सूक्त कौन सा है? 90, 90 सूक्त है और उसके अंदर एक विराट पुरुष है और विराट पुरुष के, अरे चलो विराट पुरुष ही बना देते हैं, मान लेते हैं ये विराट पुरुष, ये इनका मुख, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बुझाऊ से क्षत्रिय। मुझे ऐसे बुलाने, ऐसे पढ़ने में मजा आता है ड्राइंग के साथ, भले ही गंदी है लेकिन पढ़ता ऐसे। भुजाओं से कौन पैदा हुए? क्षत्रिय पैदा हुए, ठीक है, और जांघों से वेश्य, शूद्र पैरों से, ये हमारे विराट पुरुष। ऐसे निर्माण हुआ चार वर्णों का। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण का जो उल्लेख मिलता है ना 10वें मंडल से पहले, वो रंग के आधार पर मिलता है। जो ऋग्वेद के अंदर वर्ण शब्द है ना, वो सबसे पहले किस लिए मिलता है? रंग के आधार पर होता है। रंग के आधार पर कैसे? श्वेत और अश्वेत। उसके बाद ये कर्म के आधार पर हो गया, उसके बाद ये वर्ण किसके आधार पर हो गया? जन्म के आधार पर। कोई ना प्रेरणा बहन, मैं चेक कर लूंगा और उसको 29 का भी अपलोड करवा दूंगा। आप मुझे बैच बता दीजिए, आपका बैच कौन सा है, मैं एक बार नोट कर लूं उसको, किस बैच के अंदर नहीं है। प्रेरणा बहन अपना बैच बताना कौन सा है, मैं बैच नोट कर लूंगा फिर उसके हिसाब से, मैं चेक कर लूंगा ना किस बैच में नहीं है। लगता है प्रेरणा चली गई है इसलिए नहीं यहाँ पर कमेंट आ रहा। चलो कमेंट आएगा तो मैं इसको नोट कर लूंगा, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो रंग के लिए हुआ, रंग कैसे? श्वेत और अश्वेत। फिर कर्म के आधार पर हुआ और फिर कर्म के आधार पर क्या हो गया, वो जन्म के लिए यूज होना शुरू हो गया वर्ण शब्द। लेकिन शुद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर मिलता है। आगे देखिए तुम क्लास ना, एक बार थोड़ा सा आगे चलो क्लास के अंदर, ऐसे ऐसे फैक्ट है ना जो आपसे बिल्कुल अछूए रहे हैं, आपको बताया नहीं किसी ने वो फैक्ट, किताबें आपने पढ़ ली लेकिन आज तक भी वो फैक्ट नहीं पढ़ पाए। ऐसे फैक्ट आगे, एक ऐसी विदुषी महिला का नाम बताऊंगा जिसने चरम रोग होने के कारण शादी नहीं की थी, ठीक है, और कुछ ऐसी महिलाओं के नाम बताऊंगा जो युद्धों में भाग लेंगी और अपने बहुत सारा कुछ गवा देंगी।
नौवे मंडल के अंदर एक अंगिरस ऋषि हुए हैं, क्या हुए, अंगिरस ऋषि हुए हैं, वो क्या कहते हैं, क्या है? मंडल कौन सा है? नौवे ऋषि कौन है? अंगिरस। अंगिरस ऋषि है, ये कहते हैं कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज हैं, भीषज अर्थ वैद्य, मेरे पिता भीषज हैं, मेरी माता आटा पीसती, हमारे व्यवसाय अलग अलग हैं, परंतु हम एक ही घर में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। अंगिरस ऋषि क्या कहते हैं कि मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज हैं, मेरी माता आटा पीसती है, हमारे व्यवसाय अलग अलग हैं, फिर भी हम एक ही घर के अंदर रहते हैं। ये क्या बता रहा है कि ये कर्म आधारित बता रहा है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में अनार्यों की चर्चा मिलती है, अनार्यों की चर्चा मिलती है, तो अनार्यों को के अंदर क्या कहते थे, पणि थे, दास, दव्यू, ये एक मिनट, दव्यू यहाँ पर किसको कहा जाएगा, हाँ दव्यू, दस्यु, कृष्णवर्ण या काली त्वचा वाले, अब्राह्मण, अवरत, अनास आदि के रूप में यहाँ पर वर्णन मिलता है अनार्यों का। जो अब्राह्मण है, ये क्या है, ब्राह्मण को न मानने वाले, ब्राह्मण न मानने वाले, अनास क्या है, अनास है जो चपटे नाक वाले, अनास आगे कृष्णवर्ण हो गए, काली त्वचा वाले हो गए, अवरत, अवरत होंगे व्रतों को न मानने वाले, व्रतों को न मानने वाले, ठीक है। अब आर्यों की, अनार्यों की कुछ जातियां देखो, पढ़ें, विकट, यक्षु, पिशाच, अज, सिक्तु, देखो इसका जो वर्णन है ना, सिक्यू, सिक्यू, सिक्तु, इसका वर्णन हमने उसके अंदर भी देखा है, किसके अंदर, दशराज युद्ध के अंदर भी हमने देखा है, तीन अनार्य जातियों को। जो पणि होते हैं, पणि को अच्छे से समझो, पणि आर्यों के पशु को चोरी करता था, क्या करता था, आर्यों के पशु को चोरी करता था, इसलिए इनके बीच क्या होता था, संघर्ष होता था, पणि,
पढ़ने के लिए काफी मतभेद चल रहा था कि पढ़े कौन है, ऐसे वैसे कुछ ऐसी चीजें आती रहती है पढ़े के बारे में, पढ़े को अच्छे से देखते। पणि पणिदास दस्यु भारत के मूल निवासी माने गए हैं। भारत के मूल निवासी माने गए। व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते रहते थे, क्या करते थे व्यापार के लिए? दूसरे देशों में जाते रहते थे। जो पणि है, इनका प्रमुख देवता आराध्या मान लो, देवता मान लो, उपासक किसकी उपासना करते थे उसके मान लो, उपास्य मान लो, कि इनका उपास्य देवता क्या था, देवता कौन था? बल। संभवतः ये ऋग्वेदिक काल, जो भी ऋग्वेद काल के देवता थे उनको ये नहीं मानते थे संभवतः। जो राजा होता था पणि का, राजा एक राजा हुए पणि में, वृभु एक राजा हुए थे पणियों के। संभवतः वैदिक सभ्यता के जो देवता देवता हैं उनको नहीं मानते। भेद संभर, वेद संभर धनु धुनि चुमेर, ये क्या थे? अनार्य राजा थे। क्या थे? अनार्य राजा, वेद संभर धुनि सुमेर, ये अनार्य राजा थे। इतना समझ में आ गया? कमेंट करो, इतना समझ में आ गया तो आगे चलेंगे फिर। पणि यूज्ड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड्स। यस, समझ में आ गया। तो आगे लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है ना किसी को? मुझे बता दो अभी, पर अभी बता दो ना, कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है ना? कोई चीज ऐसी है जो समझ में ना आए उसको इंग्लिश मीडियम में करवाना हो? चलो 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 चलो, अच्छी बात है, तो समझ में आ रहा है। नहीं होना, लैंग्वेज तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास भी चल रहा है, ऐसे कैसे? ये स्लॉट तो सेकंड पेपर का है। चलो बाय मिस्टेक वैसे ही शो हो गया होगा, वो क्लास का शेड्यूल होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड वो करवाती है ना मैम, करवाती है ना? वो वैसे शेड्यूल होगा बेटा। वो बेटा क्या बोल दिया पता नहीं यार, क्योंकि मेरे जुबान पे ना जैसे क्लासेस के अंदर मैं बेटा ही बोलते रहता हूँ, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए टीच करते हुए तो आदत पड़ चुकी है। भाई बहन करिश्मा बहन, वो ऐसे स्लोट चल रहा होगा। हाँ प्रियंका मैम करवाती है ना? वैसे चल रहा होगा। ठीक है चलो, अब पढ़ने के लिए कुछ संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो पढ़ने के लिए प्रयोग होते हैं, वो देख लो एक बार। पण पणे और पणिक, वणिक, छिपणी, पणे, पणिक, वणिक, छिपणी, ये शब्द
संस्कृत भाषा के हैं। किसके लिए प्रयोग होते हैं? पढ़ी के लिए प्रयोग किए जाते थे। किसके लिए? पढ़ी के लिए प्रयोग किए जाते थे। कुछ विद्वान पाश्चात्य संसार के इतिहास में पाए जाने वाले प्यूनिक लोगों का संबंध पढ़ी से मानते हैं। कि पढ़ी का संबंध किससे माना गया है? प्यूनिक से माना गया है। प्यूनिक से। प्यूनिक है कहां पर? पाश्चात्य संसार के अंदर पाए जाते। अब इतना हमने पढ़ लिया, अब देखो निष्कर्ष जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि पाणी कौन है, तो मुख्य रूप से गो अपहरणकर्ता को पाणी कहा जाता है, और व्यापारी के लिए भी पाणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो के लिए जो जो जानते हो, जो यह शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया। गृहपति की पुत्री के लिए धोती शब्द का प्रयोग किया गया। और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर दास, अब हम क्या पढ़ेंगे? दास। Some scholars believe that the Punic people found in the history of the pasture world related to Puni. Conclusion, mainly cow kidnappers कौन थे? Puni थे। I hope कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, language barrier ना रही हो कोई। तो आगे चलते हैं। ऋग्वेद में दास का उल्लेख। दास आर्य और अनार्य दोनों थे। आर्यों के द्वारा जीते गए स्थान की प्रजा को अधीन बनाया जाता था, गुलाम नहीं। ठीक है, आर्यों के द्वारा अधीनस्थ प्रजा को, देखो आर्य किसी को जीत ले तो उसकी प्रजा को क्या करते थे? गुलाम बनाते, ना कि गुलाम बनाते थे, दास नहीं। जो धनी वर्ग था वो क्या रखता था? दास रखता था, परंतु आर्थिक क्षेत्र में इनका कोई लाभ नहीं था। आर्थिक क्षेत्र के अंदर कि कोई सहायता नहीं करते, जैसे कि कृषि कार्य नहीं करते थे, व्यापार के अंदर कोई कार्य नहीं करते, बस एक कार्य क्या करते थे, ये दास रखते थे और इनकी सहायता करते थे, इनकी सेवा करते थे। दासों का कार्य क्या था? आर्यों की सेवा करना, ये दासों का काम था। ये आर्यों की सेवा करते थे, इन्हें खरीदा व बेचा नहीं जा सकता। ये ऋग्वेद के जो ऋग्वेद है ना, ये उस समय के दास हैं। अगर आप इसके बाद के जो दास पढ़ोगे ना, उनको बेचा भी जाएगा, खरीदा भी जाएगा, ठीक है, उनसे कृषि कार्य भी करवाए जाएंगे, हर मेहनत के काम से करवाया जाएगा। और कुछ को तो जैसे हम यूरोपियंस के अंदर देखते हैं, तो वहां पर उनको बेगार भी नहीं दिया जाता, बेगार कार्य करवाया जाता। हालांकि भारतीय इतिहास के अंदर भी हम ऐसी चीजें देखेंगे जहां पर दासों से बेगार करवाई जाएगी। बेगार समझते हो ना, कि काम करवा लिया, उस काम के बदले पैसे या मेहनत आना उसको ना देना, बेगार कहलाती है।
इतना समझ में आ गया? Thus is mentioned in Rigved in both Aryan and non-Aryan. The rich class used to keep slaves, but they had not importance in economic production. They served the Aryans. They were not bought and sold. कि इनको ना तो सोल्ड किया जा सकता था ना बोट किया जा सकता था. Neither could offer sacrifice to Agni, nor were they partition of Indra or the winds. देखो ये कहना क्या था हिंदी में, देखो बड़ा अच्छे से समझिए कि ये अग्नि के अग्नि में न तो हवि दान करते थे, यानी जो यज्ञ वगैरह होंगे उनके में भाग नहीं ले सकते थे, और इंद्र व हवा के पक्षपाती नहीं है. क्या है? पक्षपाती नहीं. ऐसी स्थिति थी दासों की ऋग्वेद के. अब हम पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति. कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी? कमेंट करो एक बार. कितना समझ में आ गया? कमेंट करो. आपके कमेंट्स मुझे फोन में देखने पड़ते हैं. यो सर जी, प्रेरणा बहन, ये यो सर जी क्या है? थोड़ा सा दोबारा कमेंट कर दोगे तो आपकी मैं समझ जाऊं. राखी यादव, यस सर, समझ में आ गया. राखी यादव को, सतीश भाई को भी समझ में आ गया. अच्छा, ठीक 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 है बहन, यस ठीक. चलो आगे. ये तो तीन ही बच्चों के कमेंट आए, दो बच्चों को समझ में नहीं आया क्या? सतीश, प्रेरणा, राखी, कौन बचा? करिश्मा बच गई. करिश्मा समझ में नहीं आया क्या? चलो आई होप कि जितना हमने किया वो आपको समझ में आ गया. एक बार कंप्लीट की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे. कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताओगे. आगे चलते हैं. महिलाओं की स्थिति. अब महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद के अंदर कैसी थी उसके बारे में देखेंगे. महिलाएं, पत्नी जयो जय दस्ता, जय दस्त. जो महिलाएं थी उनमें पत्नी होती थी. पत्नी को क्या कहा जाता है?
पत्नी पत्नी क्या कहा जाता है? जाय दस्त कहा जाता है पत्नी को ऋग्वेद में, अर्थात जया पत्नी जया ही घर है, यानी अर्थात पत्नी ही घर है ऋग्वेद के अंदर कहा गया। अब तो मान लेना सभी के सभी क्योंकि ऋग्वेद के अंदर कहा गया, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी भी होती है मान लेना। तो ग्रह स्वामिनी जो पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, जो ग्रह स्वामिनी होती थी, जो पत्नी होती थी, ये पति के साथ यज्ञों में भाग लेती थी। पुत्र के जन्म के लिए जो पुत्र का जन्म होता था, क्या होता था? पुत्र का जन्म होता था, पुत्र के जन्म के लिए जब जन्म होता था, फिर जन्म उसको वरदान माना जाता था, इसके जन्म के लिए वरदान मांगे जाते थे, पुत्री की कामना नहीं की जाती थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए जाते थे, क्या करवाए जाते थे? पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए जाते थे, पुत्र की प्राप्ति के लिए। और क्या किया जाता था? देवताओं से वरदान मांगे जाते थे। देखो यहाँ पर पुत्री के जन्म की कामना नहीं की जाती, परंतु फिर भी समाज में उचित स्थान था, क्या था? उचित स्थान था इसका, महिला का समाज में। इतना समझ में आ गया? देखो ग्रहपति की पुत्री को दुहति कहा जाता है, जो ग्रहपति थे इनकी पुत्री को क्या कहा जाता है? इनकी पुत्री को दुहति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गाय का दूध निकालने के कारण, दूध दोहने के कारण, ठीक गाय का मतलब को दूध दोहने के कारण, गाय का दूध दोहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? दुहती कहा जाता है। पैतृक संपत्ति में पुत्रों का अधिकार था, स्त्रियां युद्धों में भाग लेती थी। पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार था? पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार था? पुत्र का अधिकार था। और जो स्त्री थी, जो महिलाएं थी, वो युद्धों में भाग लेती थी, युद्धों में भाग लेती थी, युद्धों में भाग लेती थी। उपनयन संस्कार का अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार था महिलाओं को। अब कुछ प्रथाएं थी जो उस समय समाज के अंदर प्रचलित थी, थोड़ा उनको देख लेते हैं, और जो नहीं प्रचलित थी थोड़ा उनको भी देख लेते। मैं यहां पर लिखता हूं,
ने प्रचलित प्रथा, जो प्रथाएं प्रचलित नहीं थी हम उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, कौन कौन सी थी। पर्दा प्रथा, प्रताप और वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति बाल विवाह, तलाक प्रथा, तलाक प्रथा। चाणक्य की अर्थशास्त्र, किसी अर्थशास्त्र के बारे में जानते हो ना, किसने लिखी है पता है किसी को? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कमेंट करना। एक बार एक अच्छी बात बताऊंगा, तलाक आ गया यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग चाणक्य जी ने क्या कहा है उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, कौटिल्य जी ने लिखा है। सिर्फ प्रेरणा को पता है क्या सिर्फ? चलो देखो, एक बात ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पर कमेंट करके नहीं बताओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पर भूल जाओगे स्वर्ण को, लेकिन आप किसी को बताओगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक, तो कौटिल्य जी ने तलाक के बारे में क्या कहा? मुक्ति का है कि तलाक क्या है, कि तलाक मुक्ति है। क्या है? मुक्ति है तलाक। ये इस बात किसने की है? चाणक्य जी ने कही है। अब ये बात किस किस को पती थी? मुक्ति वाली नया नया फैक्ट है ना तुम्हारे लिए? यस या नो? देख लो, ऐसी क्लास के लिए ना जबरदस्त जबरदस्त फैक्ट है। तो वहां पर क्या था? प्रदापत, बाल विवाह और वेश्यावृत्ति, और क्या रह गया? तलाक प्रथा। तो इस सारी की सारी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। प्रथाओं का प्रचलन नहीं था वहां पर। तो अब कुछ प्रथाएं थी जो प्रचलित थी। नियोग विवाह, नियोग प्रथा, विधवा विवाह, देखो विधवा विवाह अगर यहां पर प्रचलित है तो क्या यहां पर सती प्रथा होगी? कमेंट करना एक बार। जहां पर विधवा विवाह प्रचलित है क्या वहां पर सती प्रथा होगी? नहीं होगी। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह,
और एकल पत्नी विवाह, बहुल पत्नी विवाह। हाँ नहीं होगी प्रेरणा बहन, जहां पर विधवा विवाह होगा ना वहां शादी प्रथा नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सती प्रथा यहां पर थी लेकिन नाम मात्र की थी, सती प्रथा थी लेकिन नाम मात्र की थी, यहां पर प्रतीकात्मक थी केवल। सती प्रथा क्या थी? प्रतीकात्मक थी केवल। मान लो किसी के पति मर गए, उसकी चिता जल रही है, चिता जल रही है, चिता तैयार कर दी गई, तो उसकी पत्नी को कह दिया जाता है कि उसके ऊपर बैठ जाती है। उसकी पत्नी क्या करती है? उसके ऊपर बैठ जाती है, परंतु परिवार के जो सदस्य है आग्रह करते हैं, परिवार के सदस्य आग्रह करते हैं, तो ये क्या हो जाती है? ये उठ जाती है चिता से। क्या हो जाती है? उठ जाती है चिता से। और जो ये सती प्रथा प्रतीकात्मक है, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इतना समझ में आ गया? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और तलाक प्रथा, ये प्रचलित नहीं थी, ये यहाँ पर नहीं थी, परंतु नियोग प्रथा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, एकल पत्नी और बहुल पत्नी प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। सती प्रथा केवल प्रतीकात्मक थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी चिता पर बैठ जाती थी, परंतु परिवार के सदस्यों के द्वारा आग्रह किए जाने पर उठ जाती थी। स्टेटस ऑफ वुमेन, वाइफ ज्यादा, द बर्थ ऑफ सन इज कंसिडर्ड ए बोन नॉट ए विश फॉर ए डॉटर, कि जो सन का बर्थ होता है वो कंसिडर किया जाता है बोन के द्वारा, वरदान के द्वारा। देवताओं से वरदान मांगे जाते थे, बोन मांगे जाते थे बेटे के वरदान, पुत्र के लिए। द डॉटर ऑफ द हस्बैंड, सॉरी यार ये गृहपति आएगा, ठीक है, डॉटर ऑफ द हाउस हस्बैंड, ये गृहपति है, अलग चीज। ठीक, वॉज कॉल्ड दूती। दूती क्यों आया जाता है? क्योंकि जो का होती है उसका मिल्क जो निकालती थी वो, इसलिए उसको दूती दूती कहते थे। सन हैड द राइट इन इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर किसका राइट था? सन्स का था। वुमेन यूज टू पार्टिसिपेट इन वार्स, जो ह्यूमंस वुमेन्स होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी वॉर्स के अंदर। हैड द राइट ऑफ परफॉर्म ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार का अधिकार था। विल प्राइड्स प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स प्राइड्स एटसेट्रा वर नॉट इन वूज, कि इनको इस चीज का अधिकार नहीं था, राइट्स नहीं था। ये चीजें जो प्रथाएं थी, जो भी प्रथाएं थी यहाँ पर नहीं थी, राइट्स छोड़ो, जो ये प्रथाएं थी यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, इतना थे। उसके बाद नियोग प्रैक्टिस, विडो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर प्रैक्टिस, स्वयंवर वहां प्रथा, वॉज प्रिलिवेंट इन वन वाइफ और मल्टीपल वाइफ, स्वयंवर वहां पर था, स्वयंवर प्रथा भी थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सिंबॉलिक, आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड सी सेट ऑन द फ्यूनरल ट्रे बट गोट अप ऑन द इंस्टेंस ऑफ द फैमिली मेंबर्स,
आई होप यू दे विल अंडरस्टैंड कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कमेंट करना एक बार। जो नियोग प्रथा थी वो संतान उत्पन्न के लिए मानी जाती है। संतान उत्पन्न के लिए अगर किसी स्त्री को संतान पैदा नहीं होती है तो वो नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न कर सकती थी। नियोग प्रथा थी क्या? देवर से विवाह करने की प्रथा ही नियोग प्रथा थी। ठीक है, तो ऐसी स्त्री का नाम क्या है जिसने नियोग प्रथा से संतान प्राप्ति की थी? पुरु धुवती। ठीक है, धुवती पुरुधुवती एक महिला थी जिसने संतान प्राप्ति की नियोग प्रथा से। क्लास कैसी लग रही है? कमेंट करना एक बार। और आप सभी कहाँ कहाँ से, थोड़ा जरा कमेंट कर रहा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से मेरे भाई बहन। थैंक यू सतीश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। मस्त तो आप हो, आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे से लगातार बैठे हो, झेल रहे हो मुझे। ठीक है, मस्त तो आप हो। कंटेंट कैसा है? नई चीजें पढ़ने को मिल रही है या नहीं मिल रही? सतीश कुमार तो पंजाब से, मुझे पता है सतीश कुमार तो फर्स्ट ईयर में, इतना भी पता है। प्रेरणा बहन दिल्ली से, नाइस कंटेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद है कि आप इतना प्यार दे रहे हो क्लास को। और एक और बात बताऊं, राज की बात है, देखो जो बच्चा लाइव क्लास में 2 आवर्स बैठ गया ना, तो वो क्लास कंप्लीट कर लेगा जल्दी। बट अगर आपको ये ऑफलाइन देखनी पड़ गई ना, कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, कसम से 3 बार तो क्लास से उठ जाओगे आप। ऐसा ही होता है ना, जब रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो उठ जाते हो ना क्लास से। उठ जाते हो ना क्लास से क्यों?
कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ। सतीश एक बात ध्यान रखना, मैं पैदा फैकल्टी नहीं हुआ। जब मैं पैदा हुआ था ना तो फैकल्टी पैदा नहीं हुआ। कि पैदा होते ही फैकल्टी बन गया। जहां पर आज तुम बैठे हो ना, 2 साल पहले वहीं पर बैठा हूं मैं, और जो चीजें तुम आज फेस कर रहे हो 2 साल पहले फेस करके चला गया मैं। क्लास, टाइम प्रेशर, माइंड प्रेशर, ये फेस कर चुका हूं मैं। माइंड के ऊपर प्रेशर मत आने दो, अच्छा रहेगा, वरना टेंशन के अंदर पता नहीं क्या हो जाए। चलो क्लास अच्छी है तो आगे शुरू करते हैं। इस काल में स्त्री को शिक्षा का अधिकार था, और जो महिलाएं थी वो विदुषी कहलाती थी। ठीक है, स्त्री की बात करें, स्त्री को समाज में क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में क्या कहा गया? ऋग्वेद में स्त्री को समराज्ञी कहा गया। क्या कहा गया? सम्राज्ञी कहा गया। ऋग्वेद के किस चीज में इसमें वर्णन है? सूर्य सूक्त के अंदर वर्णन है इस चीज का। सूर्य सूक्त के अंदर इसी बात का वर्णन है। सूर्य सूक्त के अंदर क्या वर्णन है कि एक कन्या घर की धरोहर के साथ साथ उसके विनाश, उसके विनाश की संभावना। से युक्त एक अपरिचित, अपरिचित होती है। अपरिचिता होती है। स्त्री के लिए ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया? समराग्गी कहा गया है। और सूर्य सूक्त के अंदर क्या कहा गया कि एक कन्या का घर, एक कन्या घर की द्रोहर के साथ साथ उसे विनाश की संभावना से युक्त एक अपरिचिता होती है। इस काल में स्त्री को शिक्षा का अधिकार था और उसे विदुषी कहा गया है। क्या कहा गया? विदुषी। इस काल के अंदर स्त्री को शिक्षा का अधिकार था। क्या कहा गया है? विदुषी कहा गया है। विदुषी यानी शिक्षित महिला। कुछ ऐसा किस वेद में इन्होंने विदुषी कहा गया है और ऋग्वेद के मंत्रों का निर्माण किया? क्या क्या इन्होंने? ऋग्वेद के मंत्रों का निर्माण किया। ठीक है,
कुछ विदुषी महिलाएं देखी, विदुषी महिलाएं। विदुषी महिलाओं में सबसे पहले लोपा मुद्रा, अत्रेयी, अत्रेयी के बाद घोसा, घोसा के बाद सच्ची, पिलोमा, पिलोमी, अपाला, विश्ववारा, विश्ववारा, इंद्राणी, इंद्राणी के बाद काकसवृत्ति, काकसवृत्ति के बाद निवा वरी, निवावरी, निवावरी, सिक्ता, सच्ची, कुछ विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं? लोपा मुद्रा, अत्रेयी, घोसा, सच्ची, पिलोमी, अपाला, विश्ववारा, इंद्राणी, काकसवृत्ति और निवावरी, सिक्ता। ये क्या हैं? विदुषी महिलाएं हैं। तो घोसा की बात करते हैं, एक ऐसी विदुषी महिला, देखो ये क्या है, विदुषी महिला है, चर्म रोग के कारण, विवाह नहीं किया था, ठीक है, इनको चर्म रोग था जिसके कारण इनका विवाह नहीं हुआ था। घोसा अपाला, अपने पिता के खेत में कार्य करती थी, इन दिस पीरियड वुमन हैड द राइट टू एजुकेशन।
कि इस पीरियड के अंदर जो वुमेन्स थे उनको उनको राइट्स था एजुकेशन का. इट इज सेड दैट वुमेन क्रिएटेड द मंत्रस ऑफ ऋग्वेद. कि इसके अंदर इट इज सेड कि जो वुमेन है वो क्रिएट किए मंत्रस किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर. और कॉल्ड क्या कॉल्ड किया जाता है उनको, क्या कहा जाता है, विदुषी महिलाएं कहा जाता है, वाइज वुमेन कहा जाता है. तो वाइज वुमेन कौन कौन सी है उस टाइम पे, लोपा मुद्रा, अत्रेय, घोषा, सच्ची, पलोमी, अपाला, विश्ववारा, इंद्राणी और सिक्ता, काकसवृत्ति एटसेट्रा. ये उस समय की वाइज वुमेन्स है. और एक वाइज वुमेन है जो स्किन डिजीज के कारण मैरिड नहीं होती, ठीक है, शादीशुदा नहीं होती, शादी नहीं हो पाती उसकी स्किन डिजीज के कारण. तो उसका नाम क्या है, गोसा ए वाइज वेमेन वॉज नॉट मैरिड ड्यू टू स्किन डिजीज. गोसा क्या, गोसा एक वाइज वेमेन है. वाइज वुमेन ये नॉट मैरिड, ड्यू टू कारण क्या था, कॉजेस क्या था, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज थी, स्किन डिजीज थी, स्किन डिजीज के कारण मैरिड नहीं थी घुसा. अपाला यूज टू वर्क इन हर फादर्स फील्ड्स. ये क्या करती थी, वर्क करती थी फील्ड्स के अंदर, इसके अंदर हर फादर फील्ड्स. अपाला वर्क इन हर फादर्स फील्ड्स. अपाला ए वॉइस वूमेन वट हु शी वॉज वॉइस वूमेन. आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो कमेंट करना एक बार. हमारी बस कुछ अंतिम कड़ियां बची हैं, तो उसके बाद हमारी क्लास भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है. और कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो वैदिक सभ्यता है उसको कल कंप्लीट ही समाप्त कर दें, ठीक है. आप साथ देना, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा ज्यादा करना है और मैं बोलने का काम थोड़ा ज्यादा करूंगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो वैदिक सभ्यता वो कल कंप्लीट हो जाएगी. हमारा मेन फोकस होगा 10 और 15 तारीख के बीच में वैदिक सभ्यता और सॉरी प्राचीन काल को कंप्लीट करना, ठीक है. हमें प्राचीन काल को कंप्लीट करना है 15 तारीख से पहले पहले. समझ में आ गया. अब देखो कुछ अच्छी चीजें देख लो जो इससे बचती क्लास के अंदर. एक सच्ची और पेलोमी, दो विदुषी महिलाएं थी, वॉइस वुमेन थी. इन्होंने क्या कहा है, मैं ज्ञानवती हूं. क्यों, मैं ज्ञानवती हूं. मैं मूर्धन्य हूं, मैं मूर्धन्य हूं. मैं
मैं शत्रु का विनाश करने वाली, मैं शत्रु का विनाश करने वाली। मैं सर्वत्र विजयी हूँ। सच्ची और पेलोमी दो विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने कहा था कि मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ, मैं सर्वत्र विजयी हूँ। और कुछ विदुषी महिलाएं हैं जो युद्ध में भाग लेगी और अपना पैर गवा देगी। एक ऐसी विदुषी महिला जो युद्ध में भाग लेगी और अपना पैर गवा देगी। कुछ अन्य विदुषी महिलाओं के नाम देखो। विष पल्ला, वर्धी मतवती, सस्त्री थस्की, यस की, ठीक है, मुर्द मुर्दगिलनी, मुर्दा गिलनी गलनी। जो ये चारों महिलाएं हैं ये क्या करेंगी? ये चार महिलाएं क्या करेंगी? युद्ध में भाग लेंगी। हमने पढ़ा था ना कि महिलाएं युद्धों में भाग लेती है। जो विषपल्ला है, विषपल्ला ये अपना एक पैर गवा देंगी। क्या कर देगी? युद्ध में अपना पैर गवा देगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ऋग्वेद में जो विदुषी महिलाएं हैं इनको ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। जो ऋग्वेद है उसमें विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया है? ऋषि का ऋषि, ऋषि, ठीक है, ऐसे नाम मिल गए, ऋषि कहा गया। जो लोपा मुद्रा वो क्षत्रिय कन्या थी परंतु विवाह एक ऋषि के साथ हुआ, इसे ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया? ऋषि कहा गया। लोपा मुद्रा ये दूसरी महिला है। कैसी कन्या है? अक्षत्रिय कन्या है। पिता कौन है? विदुषी विदर्भ राज, विदर्भ राज इनके पिता हैं। और पति कौन है? हमने एक ऋषि पढ़े थे जिन्होंने कहा था कि मैं कवि हूं, मेरे पिता
पीसेज हैं और मेरी माता आटा पीसती है, लेकिन हमारे व्यवसाय अलग अलग है, लेकिन हम सभी एक ही घर में रहते हैं। वो ऋषि कौन थे मुझे जरा नाम बताओ। देखते हैं कि आप कितने एक्टिव हो क्लास के अंदर, आप पढ़ भी रहे हो नहीं। मुझे उस ऋषि का नाम बताओ जिसने ये कहा था कि मैं कवि हूं, मेरे पिता बीसज हैं, मेरी माता आटा पीसती है, हमारे व्यवसाय अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही घर में रहते हैं। ये किसने कहा था? आज ही पढ़ा है, सिर्फ दो ही बच्चे रह गए क्या? दोबारा कौन आया? क्या गाया गया? लोपा मुद्रा है, क्षत्रिय कन्या है, पिता का नाम विदर्भराज है और पति का नाम क्या है मुझे इतना पता हो। अरे अंगिरस ऋषि पढ़ा था ना, अंगिरस ऋषि किस मंडल के अंदर? नौवे मंडल के अंदर पढ़ा था ना। हाँ अंगिरस ऋषि नौवे मंडल के अंदर पढ़ा था हमने। इस काल में महिलाएं क्या करती थी? यज्ञों में भाग लेती थी। क्या करती थी? यज्ञों में भाग लेती थी। मोस्टली आपका 50 से 60% वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो गया है आज। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करो। क्लास कैसी लगी कमेंट करो एक बार। फिर चलते हैं, आपसे अलविदा लेंगे, जाने की इजाजत लेंगे। उसके बाद जल्दी बताओ क्लास कैसी लगी। अच्छी रही, चलो ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है जून 2023 के रिगार्डिंग, तो वो बैच ज्वाइन कर लो। पेपर फर्स्ट 6 मंथ के लिए रहेगा 1499 के अंदर, और पेपर सेकंड रहेगा 12 मंथ के लिए 2499 रुपीज़ के अंदर। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2499 रुपीज़ के अंदर रहेंगे, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी 4499 के अंदर। अगर आप कोड यूज करते हैं VIK10 तो आपको 10% छूट मिलेगी हर कोड के अंदर, हर बैच के अंदर। ठीक है, VIK10 आप अगर कोड यूज करते हो। आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर जो भी स्टडी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो आप उनको प्रेफर कर रेफरेंस दे सकते हो हमारे। क्लास अगर अच्छी लगे तो आप बाहर बता सकते हो, और अगर क्लास के अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो हमें बता सकते हो, हम उसके अंदर बिल्कुल सुधार करेंगे। 100% सुधार होगा उस चीज के अंदर। प्रेरणा नाइस क्लास, थैंक यू भाई। सतीश कुमार गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्त, शुभ रात्रि भाई। तो इसी के साथ अलविदा चाहते हैं, कल मिलेंगे शाम 8 बजे एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए फैक्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।